मंगलवार को कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसान सड़क पर उतर आए व जाम लगा दिया। कुछ ही समय में उपायुक्त डॉक्टर SS फुलिया व पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए व जाम खोलने को कहा, लेकिन किसान धान की खरीद शुरू करने पर अड़ गए और सड़क को जाम रखा। इसके बाद उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने मार्केट कमेटी पहुंचकर बातचीत भी की। सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद भी धान की खरीद न होने से मंगलवार को किसानों का गुस्सा और फूट गया और देखते ही देखते किसान मार्केट कमेटी में एकत्रित होने शुरू हो गए। इसके बाद सैकड़ों किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 100 फुटा रोड की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी किसान का बेटा हूँ जी, आगे किसानी कर रहा हूँ, वही फादर की ज़मीन पे कर रहा हूँ खेती। तो अब 4 दिन से मैं मंडी में पड़ा हूँ जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है, कोई खरीद नहीं हो रही है। अब बताओ किसान क्या करेगा जी, भूखा मरेगा, आगे आने वाला खेती कैसे करेगा जी। मैं तो कर रहा हूँ, आगे मेरी थोड़ी, मेरे बच्चे थोड़ी खेती करेंगे जी। प्रशासन तो कह रहा है अभी खरीद शुरू होगी और होगी, अभी 4 दिन से परेशान हो रहे हैं जी, बताओ क्या करेंगे, क्या किसान करेगा जी। लगा था और काम किया था, उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, और जो स्ट्राइक का बेसिकली ये जो किसान लोगों ने, किसान जो भाइयों ने रोड को जाम किया हुआ था, उसका मुख्य कारण ये था कि मंडी में जो जीरी आई पड़ी है उसका उठान ना होने के कारण था। क्योंकि अभी बातचीत चल रही है हमारी हायर अथॉरिटीज़ के साथ के राइस मिलर्स की, तो जैसे ही उनका बातचीत हो जाएगी, समस्याओं का हल हो जाएगा, तो तुरंत उठान का भी कार्य शुरू हो जाएगा। सर, जाम खुलवा दिया गया? हाँ, जाम खुलवा दिया गया, उनसे बातचीत कर ली गई किसानों से, और किसान भाई इसके लिए मान गए हैं, तो उनको बताया गया है कि जल्दी वहाँ पर बातचीत चल रही है, जितना जल्दी हो सकेगा उनका उठान का कार्य शुरू हो जाएगा। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।